हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसको आप लोग SCR कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। SCR का हम लोग कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, मोड्स ऑफ ऑपरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं SCR का इन्वेंशन किसने किया था, इसको आविष्कार किसने किया था। तो इसको आविष्कार किया था गॉर्डन हॉल, फ्रैंक डब्ल्यू बिल गुड्सविलर। इसकी अगर बात करें तो ये जो SCR होता है, उसका यूज़ हम लोग करते हैं हाई पावर एप्लीकेशन में। हाई पावर एप्लीकेशन का मतलब कि जहाँ पे हाई पावर हो, हाई वोल्टेज हो, वहाँ पे हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। SCR को हम लोग एज अ स्विचिंग डिवाइस यूज़ करते हैं हाई पावर एप्लीकेशन में। और कैसे यूज़ करते हैं SCR का, हम यूज़ करते हैं एज अ रेक्टिफिकेशन डिवाइस। ये AC को DC में रेक्टिफाई भी करता है। तो इसके यूज़ हैं ये। अब हम लोग समझेंगे ये होता क्या है। तो ये एक 4-लेयर डिवाइस होता है। 4-लेयर आप कह सकते हैं PNPN डिवाइस होता है, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। यहाँ पे आप लोग इसका सिंबल भी देख सकते हैं। तो इसका सिंबल इस तरह से होता है, एनोड, कैथोड, गेट। ये कुछ PN जंक्शन डायोड की तरह मिलता जुलता सिंबल है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये 3 टर्मिनल होता है, ये 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, एनोड, गेट, कैथोड। यहाँ पे मैंने इसके सिंबल को आपको बताया। ये क्या होता है, ये 4-लेयर डिवाइस होता है और 4-लेयर डिवाइस होता है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें ये काम करता है अलग अलग मोड में। तो ये 3 मोड में काम करता है। पहला मोड है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा मोड है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और तीसरा मोड है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो चलिए समझते हैं कि इन तीनों मोड में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप फिगर देखिए, ये 4-लेयर डिवाइस है। 4-लेयर डिवाइस है तो इसमें कितने जंक्शन बनेंगे, 3 जंक्शन बनेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे PNPN। यहाँ पे ये जंक्शन J1 होगा, ये हमारा जंक्शन J2 होगा, ये यहाँ पे जंक्शन J3। जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे कोई चीज़ मिलता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ मिल रही है, तो ये J1 जंक्शन, ये J2 जंक्शन, ये J3 जंक्शन। तो आपने 3 जंक्शन यहाँ पे देखे, तो 3 जंक्शन हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, पहले ये देखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम क्या करते हैं कि जो एनोड आपको दिख रहा है A से, इस एनोड को हम करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, और यहाँ पे जो कैथोड दिख रहा है आपको K से, उसको हम करेंगे निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट, और जो गेट है वो हमारा रहेगा 0 पोटेंशियल पे। गेट हमारा कहाँ रहेगा, 0 पोटेंशियल पे। ये हम करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को निगेटिव और गेट को 0 पोटेंशियल में। तो चलिए अब इसको करते हैं और इसके वर्किंग को समझते हैं। यहां पे हमारा एनोड कैसा रहेगा, पॉजिटिव में। तो यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, और कैथोड हमारा कैसा रहेगा, निगेटिव पे। यहां पे निगेटिव पे हमने कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये है हमारा कौन सा मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और गेट हमारा 0 पोटेंशियल पे होगा। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0 पोटेंशियल पे, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा जंक्शन J1 होगा, ये J1, J2, J3 मैंने आपको बताया था, ये J1 है, ये J2 है, ये J3 है, 3 जंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो जंक्शन J1 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, जंक्शन J1 जो है वो होगा फॉरवर्ड बायस में, J2 जो है वो होगा रिवर्स बायस में, और J3 जो है वो होगा फॉरवर्ड बायस में। अब फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए फॉरवर्ड बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब हमारा PN जंक्शन, जैसे कि मान लीजिए P टाइप है, ये N टाइप है, P टाइप अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो और N टाइप निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, तो हम उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। यानी हाई पोटेंशियल से कनेक्ट हो हमारा P टाइप और N टाइप लो पोटेंशियल से कनेक्ट हो, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल इस तरीके से भी कह सकते हैं। और रिवर्स बायस में क्या होता है कि हमारा P वाला निगेटिव से कनेक्ट हो और N वाला पॉजिटिव से, यानी N वाला हाई से होगा और ये वाला लो से होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, P पॉजिटिव और N निगेटिव। रिवर्स बायस में क्या होता है, P निगेटिव N पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देखिए कि फॉरवर्ड और रिवर्स में कैसे कैसे होगा। तो इसको देखिए, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है तो P पॉजिटिव से कनेक्ट है, यहाँ पे N क्या है, लो पोटेंशियल में है, तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस में होगा J1। अब J2 जो है वो रिवर्स बायस में कैसे होगा, इसको समझिए। यहाँ पे जो P है वो 0 पोटेंशियल पे कनेक्ट है, इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। और N जो है वो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, स्लाइटली क्या है, पॉजिटिव है। तो इसीलिए ये जो होता है ये रिवर्स बायस में होता है। आई होप ये J2 आपको क्लियर होगा कि कैसे रिवर्स बायस में।
जे थ्री फॉरवर्ड में होगा, क्यों होगा? क्योंकि एन निगेटिव है और पी जो है वो जीरो पे है, तो जीरो तो निगेटिव से बड़ा होता है, तो इसलिए ये भी फॉरवर्ड में। तो आई होप ये आपको तीनों पता होगा कि जे वन और जे थ्री यहाँ पे क्या होगा फॉरवर्ड बायस में, जे वन जे थ्री यहाँ पे क्या होगा फॉरवर्ड बायस में, और जे टू रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। तो ये आपने समझा। अब चलिए डिस्कस करते हैं इसके वर्किंग को। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे जब हम गेट पे कोई भी पोटेंशियल नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा कि जब जे वन और जे थ्री जो फॉरवर्ड में है और ये किस में है रिवर्स में, तो रिवर्स में आप जानते हैं कि करंट नहीं फ्लो होती है, करंट जल्दी नहीं फ्लो होती है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तब ब्रेक डाउन होता है जंक्शन का। ये जंक्शन का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तब जाके करंट फ्लो होती है। तो आप ये जानते हैं रिवर्स बायस में करंट ईजिली नहीं फ्लो होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम पॉजिटिव और निगेटिव देंगे तो क्या होगा, एनोड से कैथोड जो होगा करंट नहीं फ्लो होगी, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में करंट नहीं फ्लो होगी। लेकिन अगर हम वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें तो क्या होगा, जे टू जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। मैं अगर वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूं तो जे टू जंक्शन का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, तब करंट इंक्रीज़ होगा, तब करंट फ्लो होगा इसमें। तो आपने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को समझा। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में क्या होता है, करंट इजिली नहीं फ्लो होता है, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव होता है, करंट इजिली नहीं फ्लो होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जे टू जो है वो रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होता। अगर हम इस रिवर्स बायस का ब्रेकडाउन कर दें तभी इसमें करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट नहीं फ्लो होगा। तो अगर मैं इसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी सी करंट फ्लो होती है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, थोड़ी सी करंट माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो होती है। फिर क्या होता है, एक ऐसा वोल्टेज हम देते हैं जिस पे जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है, उस पे क्या होता है करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है लेकिन वोल्टेज क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, फिर उसके बाद करंट ऐसे बढ़ जाती है। ये होता है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले आप ऐसे ही समझ लें। तो यहाँ पे ये आपने समझा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में करंट नहीं फ्लो होती है लेकिन जब वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। अब नंबर टू क्या है हमारा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में भी एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है और गेट जो होता है उस पर हम देते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी आपकी गेट पे भी एक बैटरी लगा देंगे हम यहाँ पे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं एक बैटरी इस तरीके से, जिसमें हमें गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज देना है। इस तरीके से हम लगा दिए बैटरी यहाँ पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गेट को भी पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपने फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड में समझा था कि एक ऐसा टाइम आता है कि जब जे टू का ब्रेकडाउन होता है तब जाके करंट फ्लो होता है, लेकिन जब हम गेट वोल्टेज देंगे तब क्या होगा, करंट पहले ही फ्लो होगा, ब्रेकडाउन क्या होगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पहले ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा था आप देख सकते हैं, अब ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा कुछ यहीं पे हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ब्रेकडाउन। ऐसा क्यों, ऐसा यहाँ आप समझिए, देखिए जब हम गेट पोटेंशियल देते हैं तब क्या होता है, गेट पोटेंशियल में ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, और यहाँ पे जो लास्ट वाला जो एन होता है वो हाईली डोप्ड होता है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, हाईली डोप्ड मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, इन लोगों के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा होती है, इस एन के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, ये निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, जब निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा ये भी पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे जिससे ये यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ तक आ जाएंगे तो क्या होगा, इन डिप्लेशन रीजन जो होगा वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, तो आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होती है, इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। तो आपने समझा कि इसमें क्या होता है, हम गेट देते हैं गेट वोल्टेज, गेट वोल्टेज से क्या होता है, गेट वोल्टेज से हमारा जो ब्रेकडाउन होता है वो जल्दी हो जाता है। यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन हो रहा था अब यहीं पे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम दे रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस तरफ, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें आ जाएंगे, तो इस डिप्लेशन रीजन को हटा देंगे एक तरीके से। तो क्या होगा, करंट की वैल्यू हमारा एनोड से कैथोड इजिली फ्लो होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गेट का यूज़ किया। गेट का यूज़ किस लिए करते हैं, ट्रिगर करने के लिए, किस लिए करते हैं ट्रिगर करने के लिए, गेट का यही यूज़ होता है, गेट टर्मिनल का, कि हम क्या करते हैं ट्रिगर करते हैं जिससे हमारा ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता है और हमारा करंट इजिली फ्लो होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो ये हमने समझा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप गेट जब एक बार इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, गेट वोल्टेज की वजह से करंट तो इसमें ट्रिगर हो गया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ब्रेकडाउन भी जल्दी हो गया, तब अगर आप गेट को हटा भी लेंगे तब भी इसमें कंडक्शन रुकेगा नहीं,
तब भी इस पे कंडक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन और होल्स अपना मूव कर रहे हैं बढ़िया से, तो कंडक्शन नहीं रुकेगा। तो कंडक्शन को हटाना है मतलब करंट को कम करना है, तो क्या करेंगे आपको, ये बैटरी हटाना पड़ेगा या बैटरी का वैल्यू कम करना पड़ेगा, वोल्टेज का वैल्यू कम करना पड़ेगा, तभी इसमें करंट की वैल्यू कम होगी। तो मैंने आपको बताया कि गेट की वजह से क्या होता है, करंट इंक्रीज़ होता है, लेकिन अगर आप गेट को फिर हटा भी लेंगे तो करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने देखा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को भी। अब हम लोग समझेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ये क्या होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम क्या करते हैं, मैं फिर से फिगर बना दूं यहां पे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम क्या करते हैं कि एनोड को कनेक्ट करते हैं निगेटिव से, कैथोड को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव से, ये हमारा होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। गेट को यहां पे लगभग जीरो पोटेंशियल पे ही रखते हैं। तो चलिए यहां पे भी बना लेते हैं जल्दी से, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एनोड यहां पे निगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, और ये हमारा गेट टर्मिनल है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे इसमें क्या होता है कि हमारा जो J1 जंक्शन होता है, J2 जंक्शन होता है, J3 जंक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि J1 और J3 रिवर्स बायस में होता है और J2 जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे निगेटिव है, P वाला निगेटिव से कनेक्ट है और N वाला देखें तो स्लाइटली पॉजिटिव से कनेक्ट है, स्लाइटली पॉजिटिव से, तो इसीलिए ये रिवर्स में हो जाता है J1 जंक्शन। और दूसरे जंक्शन की बात करें तो दूसरा जंक्शन देखेंगे तो आप स्लाइटली पॉजिटिव से, या फिर आप समझ सकते हैं गेट जो है जीरो पोटेंशियल पे कनेक्ट है और ये निगेटिव, तो क्या होगा, ये हमारा फॉरवर्ड में होगा सेकेंड वाला, और थर्ड वाला भी रिवर्स में होगा। इस तरीके से रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में J1 J3 रिवर्स बायस में होता है और J2 फॉरवर्ड बायस में होता है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने इसका नहीं लिखा, तो यहाँ पे भी J1 J3 फॉरवर्ड बायस और J2 जो होता है वो रिवर्स बायस। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसकी वर्किंग। यहाँ पे क्या होगा कि करंट बिल्कुल नहीं फ्लो होगा, थोड़ा बहुत फ्लो होगा लीकेज करंट के वजह से। लीकेज करंट किसको कहते हैं, करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी माइनॉरिटी में जो चार्ज होंगे उसके वजह से थोड़ा बहुत लीकेज करंट फ्लो होगा रिवर्स बायस में, थोड़ा बहुत फ्लो होगा। लेकिन एक ऐसा वोल्टेज आएगा बहुत ज़्यादा जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारा ये J1 और J3 के जंक्शन का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको मालूम है करंट जो होती है वो सडनली इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये है हमारा ऐसा वोल्टेज VRBO, यानी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस पर क्या होगा, करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमने डिस्कस किया रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को। ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का, जिसमें हम गेट को यूज़ करते हैं ट्रिगर करने के लिए। गेट क्या करता है, ट्रिगर कर देता है जिससे करंट हमारा इजिली फ्लो होता है। तो ये आपने तीनों मोड को समझा। अब हम लोग समझने वाले हैं इसका VI कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम लोग लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक। मैं थोड़ा सा फिर से डायग्राम बनाता हूँ। ये यहाँ पे देखिए कि पहले क्या होता है, फॉरवर्ड किसकी बात करने जा रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव और गेट जो होता है वो जीरो पे होता है। तो क्या होता है इस मोड में, इस मोड में क्या होता है कि करंट जो होता है बहुत कम फ्लो होता है, लीकेज करंट जो होता है वही फ्लो होता है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि जब जो हमारा J1 J3 किस में होता है, फॉरवर्ड में इसमें, और J2 किस में होता है, रिवर्स में। तो जब J2 का रिवर्स बायस में क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, ऐसा वोल्टेज आता है, उस वोल्टेज पे क्या होता है हमारा वैल्यू जो होता है करंट का इंक्रीज़ होता है। ये है हमारा कौन सा वोल्टेज, ये फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज है। इस पर क्या होता है हमारा जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है J2 जंक्शन, जिससे करंट इंक्रीज़ होती है, करंट इंक्रीज़ होती है लेकिन वोल्टेज क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है इस तरीके से। फिर उसके बाद में ये करंट हमारी और इंक्रीज़ हो जाती है इस तरीके से, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से क्या हो रहा है हमारा कंडक्शन हो रहा है स्टार्ट यहाँ से। तो जहाँ से हमारा कंडक्शन स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं होल्डिंग करंट, क्या कहते हैं, होल्डिंग करंट। ये है हमारा होल्डिंग करंट। तो आपने होल्डिंग करंट भी समझ लिया, जहाँ से हमारा कंडक्शन स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, होल्डिंग करंट। ये है हमारा फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। और यहाँ पे वोल्टेज डाउन क्यों हो जाता है, वोल्टेज डाउन इसलिए हो जाता है क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस कम है, तो इस वजह से वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, फिर उसके बाद इंक्रीज होता है करंट। तो ये जो हमारा ऊपर है वो है हमारा कंडक्शन मोड। कौन सा मोड है, कंडक्शन मोड, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है।
तो ये आपने समझा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में करंट कब फ्लो होता है, जब ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है तब करंट फ्लो होता है, और जिस पॉइंट से हमारा करंट ऊपर होता है उसको हम कहते हैं होल्डिंग करंट। अब हम लोग समझेंगे जब हम गेट का यूज़ करते हैं तब क्या होता है, यानी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, यानी गेट को भी हम ले आए, गेट पे भी वोल्टेज नहीं, तब क्या होगा? तो जब आप गेट पे वोल्टेज देंगे तो हमारा जो ब्रेक डाउन होगा वो जल्दी हो जाएगा, ब्रेक डाउन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और करंट हमारा आसानी से फ्लो होगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं, गेट करंट दे रहे हैं, आईजी। आईजी करंट देने की वजह से क्या होता है, आपका जो ब्रेक डाउन होता है वो जल्दी हो जाता है, ब्रेक डाउन जल्दी हो जाता है इस तरीके से। अगर आप और ज़्यादा गेट करंट देंगे तो ब्रेक डाउन और जल्दी हो जाएगा इस तरीके से। IG2 दे दें तो और जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसको IG1 मान लीजिए। फिर यहाँ पे करंट इस तरीके से इंक्रीज होगा। और मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जैसे गेट वोल्टेज आप दे रहे हैं करंट आसानी से फ्लो होने लगेगा, फिर आप गेट वोल्टेज को हटा भी लेंगे तब भी करंट फ्लो होगा। तो गेट वोल्टेज ऐसा ऐसा करंट जब फ्लो होता है कि गेट वोल्टेज को हटा लें करंट पर कोई फर्क ना पड़े, उस करंट को कहते हैं लैचिंग करंट। क्या कहते हैं? लैचिंग करंट। तो यहाँ पर हमारा लगभग लैचिंग करंट होगा, LATCHING, लैचिंग करंट। लैचिंग करंट क्या होता है, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, ऐसा करंट की वैल्यू जिस पे आप गेट वोल्टेज को हटा भी लें तब भी आपका SCR जो है वो कंडक्शन मोड में हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, लैचिंग करंट। ऐसा करंट की वैल्यू SCR में जिस पे आप गेट वोल्टेज को हटा लें फिर भी करंट क्या हो, कंडक्शन मोड में हो, SCR क्या हो, कंडक्शन मोड में, उसको हम कहते हैं लैचिंग करंट। होल्डिंग करंट क्या होता है, होल्डिंग करंट होता है ऐसा करंट जिसके अगर आप नीचे चले गए तो SCR क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऊपर रहेंगे तो SCR ऑन रहेगा। मैं इन दोनों की डिफिनेशन अभी आपको दिखा दूंगा। अब चलिए रिवर्स ब्लॉकिंग की बात करें, तो रिवर्स ब्लॉकिंग में क्या होता है, करंट बिल्कुल नहीं फ्लो होता है, लीकेज करंट फ्लो होता है, फिर एक ऐसा वोल्टेज आता है जिस पर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इसको हम कहते हैं रिवर्स ब्रेकओवर वोल्टेज इस तरीके से। तो ये है हमारा पूरा डायग्राम, इसका VI कैरेक्टरिस्टिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है हमारा कंडक्शन मोड, यहाँ पे क्या है हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये है होल्डिंग करंट, ये है लैचिंग करंट। अब मैं आपको डिफिनेशन दिखा देता हूँ उसकी। तो ये है हमारी लैचिंग करंट की, लैचिंग करंट ऑफ फॉरवर्ड बायस SCR इज द मिनिमम करंट विच एनोड करंट मस्ट अटेन टू रिमेन इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जिसपे एनोड करंट जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ही रहे इवन वेन गेट करंट इज रिमूव, गेट करंट को रिमूव कर ले तब भी ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में रहे। और होल्डिंग करंट क्या होता है, होल्डिंग करंट SCR का वो मिनिमम वैल्यू है जिसपे एनोड करंट फॉल हो जाए ऑफ स्टेट में, यानी कि होल्डिंग करंट के जस्ट नीचे अगर आप आएंगे तो SCR ऑफ हो जाएगा, ये लगभग 5 mA होता है। अगर आप 4 पे आ गए तो क्या होगा, SCR ऑफ हो जाएगा। अब बात करें इन दोनों के कंपैरिजन की, तो हमारा लैचिंग करंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू होल्डिंग करंट, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं होल्डिंग करंट कम होता है, लैचिंग करंट ज़्यादा होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको SCR का क्लियर होगा, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछें। इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।